Hey guys, it's me. Welcome or welcome back to my channel. So you have already seen the title and thumbnail of this video, what this video is gonna be about. So today in this video, I'll be sharing with you guys how you can earn up to $5,000 per month as a student. Yes, I'm not kidding. So today we'll be talking about a website called StudyPool. So for those who don't know what StudyPool is, so it is a website where you can sell your class notes, lecture notes, practice problem, practice quizzes, etc. and earn money through it. So these documents can be handwritten, typed or digital, and all the languages are accepted. It's not have to be in English. Chahe wo aapki regional language ho, koi international language ho, sab ki sub language yahan pe accepted hain, and any subject is accepted here. Like would be English, science, astrophysics, fashion designing, the sky is the limit. Plus they provide multiple payment options, jisse ki aap apni earning ko directly apne bank account mein withdraw kar sakte ho. So without further wasting your time, let's get to the website and I'll explain each and every detail of it. So this is the StudyPool का website and the layout is काफ़ी ज़्यादा simple. तो अगर आप first time आ रहे हो इनके website पे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी. So the first thing you would do is या तो आप लॉग इन कर सकते हो या फिर साइन अप. अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉग इन कर लो डायरेक्ट, एंड अगर नहीं है तो साइन अप करो. तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आई एम गोना लॉग इन. सो नाउ वी आर ऑन दिस पेज. तो सेल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आपको इस पेज पे ले आएगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अर्न अप टू $5,000 पर मंथ एंड $10 एवरी टाइम अ स्टूडेंट व्यूज योर डॉक्यूमेंट. एंड यहाँ पे आपको टॉप अर्नर्स भी दिए हुए हैं. एंड नाउ कमिंग की यहाँ पे आप क्या चीज़ें अपलोड कर सकते हो. तो द फर्स्ट थिंग इज आप अपने प्रैक्टिस पेपर, एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल, स्टडी गाइड्स और भी जो यूजफुल रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स के लिए आप उनको अपलोड कर सकते हो. अपने ओल्ड असाइनमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो. कोई प्रोजेक्ट है, प्रेजेंटेशन आपने बनाई है जो कि दूसरे स्टूडेंट रेफरेंस के लिए यूज कर पाएं. क्लास नोट्स, एंड द बेस्ट फीचर इज कि आप इसको किसी भी लैंग्वेज में अपलोड कर सकते हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज लाइक गुजराती, मराठी, तेलुगु. आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर सकते हो. एंड यू विल बी अर्निंग $10 पर डॉक्यूमेंट व्यूड. अगर हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कौन कौन से फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो. तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, जैसे .png, JPG, GIF, PPT. आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो. एंड नाउ कमिंग टू हाउ दिस ऑल वर्क्स. तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे. जो भी आपके क्लास नोट्स, एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल है उसको आपने अपलोड किया. इसके बाद वो रिव्यू होगा. जो उनका सिस्टम है वो देखेगा कि वो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी कैसी है एंड उसको अप्रूव करेगा. एंड इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स आपके डॉक्यूमेंट व्यू करेंगे आपकी फिर उस हिसाब से अर्निंग होगी. एंड यहाँ पे इवन ये भी मेंशन है कि आप अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए एंड क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए. पहला तो हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करो. सेकेंड है कि अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल ऐड करो कि वो किस कोर्स का है, किस यूनिवर्सिटी का है एंड किस चीज़ के बारे में है. एंड मीनिंगफुल कॉन्टेंट अपलोड करोगे तो और भी अच्छा रहेगा. तो अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए. तो लो क्वालिटी में डॉक्यूमेंट अपलोड मत करो एंड बैड टाइटल्स मत डालो. बिकॉज कोई भी आपका डॉक्यूमेंट तभी खोलेगा जब उसका टाइटल अच्छा होगा, एंड टाइटल अगर अच्छा नहीं होगा तो वो उसको अवॉइड करेगा खोलना. तो आप उसमें टाइटल अच्छे डालो एंड डुप्लीकेट कॉन्टेंट मत डालो कि अगर किसी और ने कुछ डाला है तो आप भी सेम चीज़ उठा के डाल रहे हो. एंड कॉपीराइटेड कॉन्टेंट यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि अगर किसी और का कोई कॉन्टेंट है तो आप उसको यहाँ पर नहीं डाल सकते हो. तो यहाँ पे आपको गुड कंटेंट और बैड कंटेंट के भी एग्जांपल दिए हुए हैं. तो आप एक बार इस वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करो. यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी है. तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हो. तो आई विल प्रोवाइड द StudyPool वेबसाइट का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट.